गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में मोस्ट वांटेड थे, जो फरार चल रहे थे, जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी मिले हैं, जिससे ये दहशत फैलाते थे। उमेश पाल मर्डर केस में मोस्ट वांटेड अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम की यूपी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी, जो पुलिस की आंख में धूल झोंक कर 24 फरवरी से अपने ठिकानों को बदल रहे थे, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 48 दिन के बाद आज यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। दोनों अपराधियों को लगातार ट्रेस कर रही यूपी पुलिस को झांसी में लोकेशन मिलने पर इन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक प्रयागराज कोर्ट में अपनी पेशी पर मौजूद था। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर माफिया फूट फूट कर रोने लगा और सिर पकड़ कर बैठ गया। वहीं उमेश पाल की मां ने बेटे के हत्यारों के मारे जाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास से विदेशी हथियार मिले हैं। हमारी टीम पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार थी और हमें एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली है। बताया गया है कि मारे गए दोनों अपराधी अतीक अहमद को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे और वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते उससे पहले यूपी पुलिस के एसटीएफ ने उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और जिसके बाद पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।